इज इंप्लॉयड ऑन अ सैलरी ऑफ रुपीज 16,000 पर मंथ। क्वेश्चन को ध्यान से रखिए और एक एक क्वेश्चन को पहले मन में एकदम लोड कर लो, याद कर लो कि इस क्वेश्चन में क्या है, अदरवाइज फिर आपसे ना रिटायरमेंट वाला टॉपिक बनेगा नहीं। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या मिसिंग है, क्या कैलकुलेट करना है, किसको आप डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब हर एक चीज पहले आप एक एक करके नोट करते जाइएगा कि क्या लिखना है। देखो क्या बोल रहा है, श्रीमती पार्वती इज एम्प्लॉयड इन अ सैलरी ऑफ रुपीज 16,000 पर मंथ, 16,000 का पर मंथ उसको क्या मिलता है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया कि जी सैलरी मिलता है, एक चीज याद हो गया, मतलब ये बेसिक सैलरी आपका है। इसके बाद 1 अगस्त 2019 शी वॉज रिट्रेंच्ड एंड हर सर्विसेज वेयर टर्मिनेटेड। कहता आपसे कि 1 अगस्त 2019 को उसको रिट्रेंच्ड कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, निकाल दिया गया। हालांकि टर्मिनेशन और रिट्रेंचमेंट अलग चीज है। टर्मिनेशन का मतलब कि आपको आपकी गलती की वजह से धक्के मार के निकाल दिया, तो टर्मिनेशन होता है। तो यहाँ रिट्रेंच वर्ड का मतलब ऐसा नहीं है, रिट्रेंच का मतलब कंपनी आपको आपका सैलरी पे करने में कैपेबल नहीं है, इसलिए आपने आपको प्रणाम कर लिया कि छोड़ के चल जाइए, हम नहीं दे पाएंगे आपको पैसा। और ऑब्वियसली जब आप उसको हटाओगे, रिट्रेंच्ड करोगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंपनसेशन तो देना पड़ेगा। हम लोग पढ़े थे कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट। कराए शी सर्व द एम्प्लॉयर फॉर 8 ईयर्स। 8 साल जॉब करने के बाद, मतलब अपनी जिंदगी का 8 साल उसको देने के बाद, तब जा करके वो उस जॉब से वो क्या किया, उसको रिट्रेंच कर दिया। मतलब 8 साल उसका सर्विस का है पीरियड, 8 ईयर्स का सर्विस है, देख लेना। इसके बाद कहता है शी गॉट फ्रॉम हर एम्प्लॉयर कंपनसेशन ऑफ रुपीज 68,000 का कंपनसेशन मिलता है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो 68,000 का कंपनसेशन है। इसके बाद कहता है ऑन December 1, 2019 शी गॉट अनदर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रुपीज 18,000 पर मंथ। 16,000 का जॉब छूटा, रिट्रेंच्ड हो गया, और कुछ दिनों के बाद यानी December 1 से उसको एक दूसरा जॉब मिल गया 18,000 महीने का। करा श्रीमती पार्वती टुक फ्रॉम हर एम्प्लॉयर एन एडवांस इक्वल टू 3 कर लीजिएगा, इक्वल टू 3 मंथ सैलरी ऑन फर्स्ट सॉरी ये यहां से फुल स्टॉप हो गया। कर आपसे 3 महीने की सैलरी के बराबर वो इस डेट में क्या ले ली, एडवांस ले ली। तो ऑब्वियसली इसका सैलरी कितना था, 18,000, 3 महीने का एडवांस ले ली, तो कितना हो गया, 54,000 रुपीज का एडवांस ले ली है। आगे कहता है ऑन 1 February 2020 एंड ऑल्सो गेट अ लोन ऑफ रुपीज 75,000 इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ हर डाउटर्स मैरिज। उसकी बेटी की शादी थी, इसलिए अपनी बेटी की शादी के लिए 75,000 रुपया वो क्या ले ली, लोन ले ली। देखो लोन कभी भी इनकम नहीं होता, पहला चीज। क्या लोन को आप इनकम कहोगे, लोन इनकम हो गया मेरा, तो लोन कभी भी इनकम नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आज आप अपने एम्प्लॉयर से लोन ले रहे हो, तो कल को आने वाले टाइम में आपकी सैलरी में से वो क्या होगा, डिडक्ट होगा। लेकिन सैलरी में से डिडक्ट होके पैसा आपको मिलेगा जरूर, लेकिन जब आप टैक्सेबल इनकम दिखाओगे तो क्या माइनस करके दिखाओगे, समझ रहे क्या बोल रहे हैं। अगर मेरा सैलरी 20,000 महीने का है और हम लोन ले लिए, तो जब हमको आने वाले टाइम में सैलरी मिलेगा तो 20,000 की सैलरी में से लोन का पैसा क्या होगा, माइनस करके हमको मिलेगा। यानी जब हम रिसीव करेंगे तो लोन का अमाउंट माइनस करके रिसीव करेंगे, लेकिन मेरा टैक्सेबल इनकम कितने पे शो होगा, तो मेरा इनकम पूछेगा कितना है, तो क्या हम माइनस करके बताएंगे किसी को, तो हमको उस टाइम में इनकम तो पूरा फुल शो करना पड़ेगा। यानी लोन टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि लोन इनकम नहीं है, वो कर्ज है। तो वो टैक्सेबल क्यों नहीं होता, क्योंकि आज आपको लोन मिल रहा है तो कल को आपकी सैलरी में से वही वाला अमाउंट क्या होगा, इंटरेस्ट के साथ माइनस कर दिया जाएगा। इस वजह से हम लोन को इनकम ट्रीट नहीं करते। इसलिए यहां जो 75,000 आप देख रहे हो, इसको आप पूरी तरह से, इस पूरे स्टेटमेंट को, है ना, ये पूरा स्टेटमेंट आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। इस स्टेटमेंट का आपके क्वेश्चन से कोई भी रिलेशन नहीं है। बस आपको बस यहां पे एक थ्योरी याद रखना है कि लोन
किसी भी इंडिविजुअल का इनकम नहीं होता, क्योंकि लोन जस्ट एक मदद है जो आपकी सैलरी में से बाद में चार्ज कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा, लेकिन आप अपना टैक्सेबल इनकम तो फुल वैल्यू पे दिखाओगे, इस वजह से इसको इनकम हम काउंट नहीं करते। अब यहां कहता है एज्यूमिंग दैट द सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, यहां ध्यान रखना, कह रहा है सैलरी आपको रिसीव होता है कब, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब इस महीने का सैलरी मिलेगा कब, अगले महीने की एक तारीख को। यानी यहां इस तरह के क्वेश्चन में हम हमेशा पढ़ चुके अभी तक, बिफोर रिटायरमेंट वाले में भी पढ़े, अभी भी बोले, लास्ट क्लास भी आपको बोले थे कि देखो जब भी सैलरी अगर कह दे कि इस महीने का सैलरी अगले महीने मिलता है, तो इसका मतलब फोकस करिएगा कि साल का शुरुआत कब होता है, अप्रैल में। साल का शुरुआत कब हुआ, अप्रैल में, तो अप्रैल में जो सैलरी मिला होगा वो कब का मिला होगा, तो मार्च का सैलरी अप्रैल में मिला होगा, है ना। मई का सैलरी कब मिला होगा, जून में। जून का सैलरी जुलाई में, तो ऑब्वियसली जब साल खत्म हो रहा होगा मार्च में, तो जो मार्च वाला सैलरी कब मिला होगा, अप्रैल में। तो एक महीने का आगे पीछे आप यहाँ पे सैलरी में आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी अगर इसमें पे ग्रेड लग जाए या जॉब छोड़कर दूसरा जॉब ज्वाइन कर लिए, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है डेट को लेकर के। क्यों, क्योंकि आप लास्ट मंथ का सैलरी कब विड्रॉ करते हो, अगले महीने विड्रॉ करते हो, इसलिए इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए डेट को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा है ना देख लेना, चेक करके उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। करा कंपूट द टैक्सेबल सैलरी ऑफ श्रीमती पार्वती फॉर असेसमेंट ईयर 2021, आपके बुक से लोगे तो 21, 22 भी होगा, 22, 23 भी हो सकता है, तो जो भी बुक आए कोई फर्क पड़ता नहीं, फिर आपको डेट चेंज कर लेना है। देखो मतलब कुल मिलाकर के अगर इस पूरे क्वेश्चन की बात करें, इस पूरा कंप्लीट क्वेश्चन का बात करोगे, तो इस पूरे कंप्लीट क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम कहां कहां आएगा। सबसे पहले अप्रैल में हम एक एक लाइन से याद करते जाएगा, उसका क्वेश्चन बड़े इजीली में सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला शुरुआत कहां से किए होंगे, अप्रैल में शुरुआत की जॉब का, हमको थोड़ी पता था कि हमको निकाल दिया जाएगा। बोला असेसमेंट ईयर 2021 का सैलरी बताओ कि कितना होगा, तो ऑब्वियसली जब आपसे बोल दिया 2021 या 21 22 या 22 23, कोई भी साल बोलेगा, तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग कहां से होता है, अप्रैल का। तो अप्रैल से पहले हम क्या कि हमको उसको जवाब नहीं देना, हमको अप्रैल से रिगार्ड लगाना। तो आप क्या किए, देखो अप्रैल में आप जॉब शुरू किए, तो अप्रैल में आपको उस वक्त क्या मिला होगा, सीधे निकाल दिया गया, अप्रैल आया निकल जाओ, ऐसा शुरुआत कहां से हुआ, प्रैक्टिकली सोचो तो क्वेश्चन बनेगा बड़े आराम से। अप्रैल में हम जॉब शुरू किए, पूरा अप्रैल जॉब किए, कुछ नहीं हुआ, सैलरी मिला होगा। मई में भी हमको सैलरी मिला, जून में भी सैलरी मिला, जुलाई में भी मिला, और निकाला कब गया आपको, अगस्त में आपको निकाल दिया गया। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 1 अगस्त को आपको निकाला गया। तो 1 अगस्त को जब आपको रिट्रेंच किया गया होगा, तो सैलरी दे के विदा किया गया होगा। क्यों, क्योंकि 1 अगस्त को जो हम सैलरी रिसीव किए होंगे वो कब का रिसीव किए होंगे, पिछले महीने वाले का। समझ में आ रहा बात, कोई कंफ्यूजन है। यानी 1 अगस्त को आपको रिट्रेंच्ड किया गया, और क्वेश्चन में देखो लास्ट में लिखा हुआ था कि इस महीने का सैलरी कब मिलता है, अगले महीने की 1 तारीख को मिलता है। इसका मतलब 1 को जब आपको हटाया गया तो सैलरी दे के हटाया गया होगा। यानी देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त कितने को हटाया, मतलब अप्रैल, यहां ध्यान रखना, अप्रैल में सैलरी मिला होगा, कब का मिला होगा, मार्च का, एक महीना। मई में जो सैलरी मिला होगा आपका, पिछले महीने का। तो इसी तरह से तुम सोचो जरा, अप्रैल में सैलरी मार्च वाला मिला होगा, तो लास्ट में हमको सैलरी कब मिला होगा, अगस्त को निकाला गया ना, तो अगस्त को सैलरी कौन सा वाला दिया गया होगा, तो जुलाई का तो सैलरी हम अगस्त में लेके तभी ना गए होंगे। यानी 1 अगस्त को जो सैलरी हमको मिला होगा वो एक्चुअल में 1 अगस्त का नहीं मिला होगा, कब का मिला होगा, पिछले महीने का। इसका मतलब मेरा पूरा 5 महीना कंप्लीट हो रहा है कि 4 महीना हो रहा है, पूरा 5 महीना हो रहा ना। लेकिन अगर यही चीज यहां कहता कि इस महीने का सैलरी इसी महीने मिलता है, तो उस केस में यहां 5 नहीं होगा, कितना होता, 4 महीना होता। बस यही चीज तो याद रखना आपको।
अगर इस महीने की सैलरी इस महीना ही मिलता तो 4 महीना होता, लेकिन इस महीने का सैलरी चूंकि अगले महीना मिलता है तो ऑब्वियसली अप्रैल में जो सैलरी मिला हो कब का मिला होगा, मार्च का अप्रैल में मिला होगा। तो अगस्त में जो सैलरी मिला हो कब का मिला होगा, इससे पहले वाले का, जुलाई का मिला होगा। इसका मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हम ये कंप्लीट पहले 5 महीना हम क्या लिए होंगे, सैलरी लिए होंगे। कोई दिक्कत है? तो एक पॉइंट जब आप सॉल्यूशन करोगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ श्रीमती जो भी होगा असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर, आप सब लिख लोगे। इसके बाद सबसे पहला टॉपिक कहां से शुरू होगा, बेसिक सैलरी से शुरू होगा। सैलरी कितना था, 16,000 पर मंथ, 16,000 पर मंथ। तो 16,000 का पर मंथ सैलरी इंटू कितना मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 80,000 का आपका निकल गया मालिक बेसिक सैलरी। मतलब हमारे क्वेश्चन का एक जरूरत जो है वो पूरा हो गया, हमको पता चल गया कि हाँ ठीक है जी सैलरी था। सैलरी के बाद अब आगे बढ़ो, अब सैलरी मिला 5 महीना, 5 महीना कंप्लीट हुआ और निकाल दिया गया। अब निकाले होंगे, जैसे ही तुमको कोई निकाला अब क्या मिला होगा, कंपनसेशन मिला होगा। देखिए तो कंपनसेशन कितना रिसीव हुआ है, तो 68,000 रुपीस का आपको कंपनसेशन रिसीव जरूर हुआ है, लेकिन कंपनसेशन टैक्सेबल कितना होगा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, है ना। तो आपको हम लिखवाए थे कंपनसेशन, रिट्रेंचमेंट का कंपनसेशन। तो हम सबको पता है 68,000 का कंपनसेशन जरूर मिला, लेकिन कंपनसेशन टैक्सेबल कितना होगा तो ये चीज पहले हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट, इसके लिए हम लिखे थे ना लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड। सबसे फर्स्ट क्या लिखे थे रूल्स, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल में आपने रिसीव कितना किया था, 68,000 रुपीस रिसीव किया हम लोग, तो फर्स्ट हो गया हमारा। दूसरा अमाउंट देखिए तो क्या लिखे थे, मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना होगा, मैक्सिमम एग्जेम्पशन ना मिलता है 10 10 बी में, हाँ तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन रखा गया। आखिर कहां रखा है, कुछ ना कुछ तो रूल होगा, तो उसमें रखा गया कि जी मैक्सिमम आपको एग्जेम्पशन कितना मिल सकता है, 5 लाख। मतलब कंफर्म बात है 68,000 तो रिसीव कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम कंजम्पशन एग्जेम्पशन कितना है, 5 लाख का। और कुछ लिख रहे क्या, 15 डेज एवरेज सैलरी है ना फॉर ईयर सर। तो आप ही सोचिए, थर्ड हमारा हो गया 15 डेज एवरेज सैलरी है ना, और एवरी ईयर सर्व और एवरी कंप्लीटेड ईयर जो भी बोल रहे हो। तो 15 डेज सैलरी, तो इसमें हमको मतलब पहले किससे होगा, सैलरी से मतलब होगा। सैलरी कितना था, क्या सैलरी के अलावे इस क्वेश्चन में आपको डीए देखने के लिए मिला, कोई कमीशन मिला, कुछ मिला। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में जब आप कंपनसेशन निकालोगे तो सैलरी का मतलब क्या हो गया, सिर्फ बेसिक सैलरी और कुछ तो था नहीं। तो सैलरी कितना था, 16,000 का 15 डेज निकालना है, तो 15 डेज निकालना है, तो 15 डेज का मतलब कि महीने का 30 दिन अगर एवरेज लोगे
तो 15 डेज का सैलरी कितना होगा? हाफ। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो हमको पता होता है कि मंथ में कितना लेना होता है, 30 डेज ही हमको एवरेज लेके चलना पड़ता है। तो महीने में 16,000 मिलता है तो 15 दिन का सैलरी कितना होगा? 8,000 हो गया होगा, यानी 16,000 उसका हाफ कर सकते हैं 15 डेज के लिए, और इंटू कितना साल आप सर्व किए थे, सर्विस कितना दिन दिए थे? 8 साल। तो 8 साल बाद आप हो गए रिट्रेंच्ड, तो इंटू 8 कितना हो गया? 64। अब कहता है आपसे कि इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो क्या करोगे, उसको एग्जेम्प्ट करोगे? तो आप कह सकते हो विच एवर इज लेस, है ना। तो एग्जेम्पशन कितने का हो गया, कौन सा वाला? 64,000 का एग्जेम्पशन हो गया। टैक्सेबल कंपनसेशन एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना हुआ? एक्चुअल हो गया आपका 68,000, और एग्जेम्पशन कितने का हो गया? 64. इसका मतलब आप कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ कितना हो गया? 4,000 ही है, मतलब कंपनसेशन मिला है 68,000, लेकिन इतना कैलकुलेशन करने के बाद हमको पता चला कि कंपनसेशन 68,000 रिसीव जरूर हुआ है, लेकिन 68 में टैक्सेबल कितना होगा? सिर्फ 4,000। तो दोबारा आप लिख सकते हो यहां पे सैलरी के साथ कंपनसेशन ऑन कितना मिलेगा, यहां पे आप चाहे तो लिख सकते हैं नोट नंबर 1 की जरूरत पड़ा तो हम नोट 1 में जाकर के देख लेंगे। अब कंपनसेशन के बाद, चलो कंपनसेशन भी मिल गया, अब कंपनसेशन के बाद क्या हुआ था जरा याद कीजिए। तो कंपनसेशन मिल गया ना, इसके बाद कहां गया होगा स्टोरी? पहले नौकरी किए, 5 महीना जॉब किए, निकाल दिया गया, इसके बाद जब निकल के जाने लगे तो क्या मिला? कंपनसेशन। कंपनसेशन कितना टैक्सेबल हो कैलकुलेट कर लिए, उसको भी हम अपनी बेसिक सैलरी के साथ जोड़ दिए। अब क्या हुआ होगा, अब ये श्रीमती पार्वती अब क्या की होगी, दूसरा जॉब ज्वाइन की है ना, कितने का सैलरी था? 18,000 का। कब ज्वाइन की थी, डेट जरा देखो, 1 दिसंबर 2019 को उसको दूसरा जॉब मिला। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दिसंबर में जॉब ज्वाइन की, दिसंबर का सैलरी कब मिला होगा? दिसंबर में, जनवरी, जनवरी का सैलरी, फरवरी का सैलरी और मार्च का सैलरी अप्रैल में मिला होगा, लेकिन तो खत्म ना हो गया डेट, मार्च में तो अकाउंट क्लोज। मतलब कुल मिलाकर दूसरी बार जब वो जॉब ज्वाइन की तो एक नया सैलरी उसको अगली बार कितने का मिला? 3 महीने का मिला होगा। यानी अगेन हम कह सकते हैं कि 18,000 इंटू कितना? 3, कितना हो गया? तो 54,000 का सैलरी मिला। दोबारा से प्रैक्टिकली सोचते जाओ क्या होते चला गया। तो 54,000 का मिला, जैसे ही जॉब ज्वाइन की ना, वो एडवांस मांगी कि हमको 3 महीने का एडवांस चाहिए। 3 महीना हम उसको कन्वर्ट किए थे क्योंकि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। 3 महीने का एडवांस मांगे सैलरी के इक्विवेलेंट, तो 1 महीने का सैलरी 18,000, तो 3 महीने का एडवांस मांगे तो कितना होगा? 54,000। यानी 54,000 का सैलरी, 54,000 हम एडवांस मांग लिए, ये भी हो गया, कोई दिक्कत है? अच्छा, तो अब आप यहां लिख सकते हो अगेन सैलरी, ये कौन सा वाला नया सैलरी था, ये 18,000 पर मंथ इंटू 3 मंथ 54,000, इसके बाद एडवांस 54,000, 18,000 का 3 मंथ का एडवांस 54,000,
इसके बाद आपको याद होगा लोन लिए ना, क्या लोन टैक्सेबल होता है? नहीं, क्योंकि लोन कर्ज है, इनकम नहीं है, तो क्या होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो आपकी सैलरी में बाद में चलकर डिडक्ट ही हो जाएगा और उस समय तो आप फुल सैलरी पे टैक्स दे ही दोगे, इसलिए लोन का पैसा क्या कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। अब जो लोन आपको मिला, ये लोन आपको जो 75,000 का मिला था, क्या आपने ये लोन बैंक से लिया था कि अपने एम्प्लॉयर से? एम्प्लॉयर से। क्या इंटरेस्ट के बारे में कुछ कहा गया? नहीं कुछ बोला, कितना इंटरेस्ट दोगे? इसका मतलब कि तुम्हारे लिए ये क्या है, इंटरेस्ट फ्री लोन है कि नहीं है? क्या आपके लिए ये इंटरेस्ट फ्री लोन है तो क्या तुम्हारे लिए ये एक फैसिलिटी हुआ कि नहीं हुआ? लास्ट चैप्टर में पढ़ते थे, याद कीजिए कि अगर मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे लोन दिया है इंटरेस्ट फ्री लोन, तो मेरा मालिक मेरे पहचान कर सकता है, लेकिन सरकार और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे पहचान नहीं करेगा, जा तू भी फ्री। मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे से भले इंटरेस्ट नहीं लिया हो, लेकिन जो इंटरेस्ट उसने माफ कर दिया वो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या बन जाएगा, इनकम होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए हम बैंक से लेते, तो बैंक को हमको क्या देना पड़ता, इंटरेस्ट। खर्च था कि नहीं मेरा? हम बैंक से लोन नहीं लिए, मेरे एम्प्लॉयर से लोन लिए, तो अब हमको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा मतलब इनडायरेक्टली आप क्या कह सकते हो, इनकम हो गया कि नहीं हो गया? यानी जहां हमको पे करना पड़ता पैसा बच गया, बच गया मतलब कमा लिए, आप कह सकते हो बचा लिए चाहे कमा लिए, बात एक ही बात है। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट फ्री लोन जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया इसलिए कि आप उसके एम्प्लॉई हो, इसका मतलब है कि जो इंटरेस्ट का पैसा आपके एम्प्लॉयर ने आपसे नहीं चार्ज किया, इनडायरेक्टली वो आपके लिए क्या है, इनकम है। तो आपको उस इंटरेस्ट पे क्या करना पड़ेगा, लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑन लोन आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए आप लोन कितने का लिए थे, 75,000। इंटरेस्ट का रेट आपको मालूम है कुछ क्या? नहीं। तो एक्चुअल में प्रैक्टिकल ये रूल होता है, प्रैक्टिकल ये रूल होगा कि जिस टाइम पे आपने लोन लिया उस टाइम पर जो भी इंटरेस्ट का रेट चल रहा होगा उस टाइम पे, कहां पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, SBI में, और किसी बैंक की बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अकाउंट कौन से बैंक में है, SBI में। तो जिस हिसाब से वो अपना कैलकुलेशन करता वही रूल आप पे क्या करेगा, चार्ज करेगा। आपका पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पड़ा हुआ तो आपको इंटरेस्ट के साथ वापिस भी करेगा, तो ऑब्वियसली आपको चार्ज भी क्या करेगा, उसी रेट से चार्ज करेगा। तो SBI का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस टाइम पे चल रहा था वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन आप बुक में देखेंगे कि आपको एक हिंट कर दिया गया वहां पे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट लगाया हुआ है, 10% लगाया है, तो हम भी क्या करेंगे, 10% लगा देंगे। तो 75,000 का कितना परसेंट, 10%, और लोन लिया गया था फरवरी में, तो ये साल खत्म कब होता है, मार्च में। तो इसको मेरी सैलरी थोड़ी मतलब है कि इस महीने का सैलरी कब मिलता है, नहीं मिलता, फरवरी में लोन लिए, लोन है ना ये, सैलरी थोड़ी है। तो फरवरी और मार्च दो महीना का इंटरेस्ट लगेगा, तो हम इसमें क्या करिएगा, 2/12 कीजिएगा। तो 75,000 का 10% इनटू 2/12 करेंगे आप, तो 1250 आएगा। हाँ, 1250 आएगा। तो इन सब को अगर आप ऐड कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, ग्रॉस सैलरी निकल गया, और इसमें से हम लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का, 50,000। जरा इसको ऐड कर लीजिए कितना आ रहा है, 50,000 नेट टैक्सेबल सैलरी निकल जाएगा, कितना आ रहा है, 1,53,000 हो गया। तो ये हम लोगों का टैक्सेबल सैलरी इनकम निकल जाएगा, यहां से बना लेंगे। मतलब एक तो आप, ये हो गया आपका इस क्वेश्चन के लिए, ये हो गया आपका टैक्सेबल का सॉल्यूशन, यानी यही आपका हो गया सॉल्यूशन।
इसके लिए हमको कौन सा नोट तैयार करना पड़ा? तो वर्किंग नोट में कौन सा वाला? कंपनसेशन का नोट तैयार करना पड़ा। और एक थोड़ा याद क्या रखना होगा? इंटरेस्ट। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होगा कि इस महीने का सैलरी कब मिलता है, अगले महीने मिलता, तो ये वाला थोड़ा नोट जो है इसको याद करके रखना पड़ेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया हम लोगों का कंपनसेशन का वर्किंग नोट, बाकी क्वेश्चन तो आपके पास है ही।